एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 इसका अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सवाल कहता है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेट ए, यानी कि हमें एंगल ए के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है लेकिन सेक ए के टर्म्स में, यानी कि हमारा आंसर जो है वो सेक ए में आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। देखें लेकिन इस सवाल को करने से पहले हम वो आइडेंटिटीज एक बार फिर से याद करेंगे जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में। एक मैंने आपको बोला था साइन स्क्वायर थीटा, शाबाश आप ही बोलो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स में वन। बच्चों इन आइडेंटिटीज का हम इसमें यूज, सभी आइडेंटिटीज का यूज होगा। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद नहीं है तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये इस एक्सरसाइज में हम इनका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे बोलो इसे और कितने आइडेंटिटीज निकलेंगे, दो। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर वन, कॉस चला जाएगा इस साइड में, ये यहां पे प्लस था ये कैसी और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो इस ज्यादा फॉर्मूला याद करो इतना हमारे लिए बेटर है, ठीक है ना। और मेरी एक सजेशन है, जब भी आप इन क्वेश्चन को करोगे ना ये आइडेंटिटीज ऐसे लिखे, उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको एक फायदा होगा, आपको उससे पता चलेगा मुझे सेक तक कैसे पहुंचना है, यानी कि मैं किस फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करूंगा ताकि मैं सेक तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा एक तो ये निकला, दूसरा अगर मुझे खाली कॉस स्क्वायर थीटा देखना होगा, सुनियर वन तो अपने साइड में, वन ये साइन इन साइड माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक से आपको कितने निकल गए, तीन आगे तीन निकल गए ना टोटल में। अब एक और आइडेंटिटी मैंने आपको बोली थी टेन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मगर याद इनको, यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस आइडेंटिटीज, लेकिन आपको खाली एक रखनी है बाकी तक पाने काटनी, याद थे जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे अब निकालना होगा टेन स्क्वायर थीटा सुचा सा बराबर सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस आएगा माइनस वन, इससे और निकलेगी। अगर वो था खाली वन इन साइड सेक स्क्वायर थीटा अपने इस साइड में योर गेस टेन स्क्वायर थीटा योर गेस माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हो गई ये बात। ब्योर आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है एनी हाउ, तभी जाके आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एम एस देर ब्योर फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा वन इधर से चला जाएगा माइनस वन, अब मैं खाली वन को यहां रखूंगा कॉट को मैं इधर ले जाऊंगा, अब इस साइड में वन, अब इधर कोसेक स्क्वायर थीटा अपने इस साइड में योरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बस ये तीन तीन और तीन ये नौ आइडेंटिटीज बन गए। ये नौ आइडेंटिटीज अगर आपको मालूम है तो आप इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, मगर याद से था नहीं जिनको मैं एरो डालता हूं, आप तो याद ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन इक्वल होता है, ब्याक्स था नहीं याद वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और आपको याद रखना है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन चासन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम आएंगे इन सवाल की तरफ, अब सवाल कहता है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मगर लापस तो जो याद ऑल तमाम निकाल, इसका मतलब सेक के अलावा, सेक तो ऑलरेडी गिवन है, सेक के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या क्या है, साइन कॉ यानी कि साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक को छोड़ दो और कॉट ए, इनको मुझे निकालो लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेक ए, आंसर का तुझ कैसी हूं सेक ए, समझ लो अच्छी तरह से सवाल को। सबसे पहले मैं निकालूंगा एक नंबर का साइन ए, है ना बच्चों। अब देखो अब मेरी आइडेंटिटीज लिखी, इनका यही फायदा है, मैं इसलिए मैंने बोला जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे इन आइडेंटिटीज को एक और में लिख के रखो पहले एमसीजी द आइडिया। अब मुझे बताओ मेरी कोशिश होनी चाहिए किसका आइडेंटिटी माने, आप देखो यहां साइन की कोई आइडेंटिटी है और ये इतना शॉर्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा जैसा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मगर यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा, मुझे यहां पे क्या है बच्चों खाली साइन, तो मैं क्या कोशिश करूंगा वो बनाऊ या फॉर्मूला, मैं इसको कोई आइडेंटिटी बनाऊंगा तो तेल क्या करूंगा खाला या स्क्वायर, तो लेकिन इसको स्क्वायर चढ़ाने के लिए थोड़ी ना था, मैं इसका रूट दिखाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको फर्क पे इसका आप मुझे बोलो मैं बोल रूट थी और स्क्वायर थी, स्क्वायर और रूट कैंसिल आज दे साइन है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला था अगर इसके को फाइव फाइव इक्वल अंडर रूट फाइव का स्क्वायर, अच्छा फर्क कहां स्क्वायर, अगर मुझे किसी चीज को स्क्वायर चढ़ाना है ताकि रूट दिखा लो स्क्वायर और रूट कैंसिल आई ड्रा फाइव इज इक्वल फाइव, मगर आप मुझे एक फायदा देखो आप बोल के सर फायदा क्या हुआ, एम से ड्रा में आप फायदा मैं बनी फॉर्मूला
साइन स्क्वायर थीटा की मुझे फॉर्मूला यहां पर है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं अंडर रूट वहीं पे रखूंगा, साइन स्क्वायर के थीटा के बदले में लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे लेकिन मुझे पहुंचना कहां तक है, मेरी टारगेट क्या है, सेक ए। तो ये थोड़ा जून टारगेट आपको दिमाग में जरूरी रखना है कि मुझे आंसर निकालना चाहिए किसमें, सेक में। वेरी गुड, वन साल मैं सोच गया मैं कॉस तक पहुंच गया, इसी का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है। मैं एक काम करता हूं, फिर वन को इधर पटन एज इट इज माइनस कॉस का रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर थीटा से बराबर 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसको 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा, मैंने आपको एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते नहीं, साइन का होता है, साइन क्या क्या होता है, कोसेक, कॉस का क्या होता है सेक, टेन का होता है कॉट। तो हम लिख सकते हैं कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइड बाय सेक, इसका यहां पे स्क्वायर था, मैंने इसको भी यहां पे स्क्वायर डाला। इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। अब मुझे टेंशन नहीं है, अब मैं सेक पे पहुंचने लगा, सेक स्क्वायर 1 इज आर सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे नहीं है ना, ए है, सॉरी हमारा एंगल यहां पे ए है ना, यहां पे हमें ए लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें थीटा लेना पड़ता है एंगल जो यहां पे होगा, ठीक है ना। अब यहां पे भी sec square a ones are sec square a, फिर बीच में माइनस, इसके नीचे कुछ है तो 1 है, 1 ones are 1, फिर हम करते नीचे वाले दो को, am I right? sec square a ones are sec square a, वहीं करो आप कोई चीज, ये रूट दोनों का है, न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर, वहीं भी बर्ग अलग अलग मैं लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा sec square a माइनस 1 डिवाइड बाय sec square a, तो मैं कंफ्यूज। अब इसे क्या फायदा हो गया बच्चों, एमसे फायदे, मैं नीचे वाला स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, ऊपर वाला आप बोलोगे सर ऊपर भी करो, लेकिन नहीं कर सकता, अच्छा माइनस वन भी हो रहा है, याद ये मैं नहीं कर सकता, ऊपर वाला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये चुखली सेक स्क्वायर ए, ये स्क्वायर और रूट में हटा सकता हूं, ऊपर वाला नहीं है बच्चों, के लिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे खाली रहा सेक ए, बस ड्रॉ में आंसर इन टर्म्स ऑफ सेक ए। और देखो सेक के अलावा कोई चीज और इसमें है, तो मैंने निकाला साइन ए को, मैंने निकाला साइन ए के लिए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, सॉरी ए माइनस 1 है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए, हो गया ए। ये मगर मुझे क्या निकालने हैं, मुझे फाइंड करने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, एम बाय क्या स्क्वायर बाय, वेरी नाइस, साइन के बाद कॉस, मुझे सारे निकालने हैं, साइन के बाद मैं निकालूंगा कॉस ए। बताए बच्चो कॉस कॉस की फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाय, इसको सिंपली उल्टा करना है, कॉस बराबर होता है 1 डिवाइड बाय सेक ए, बस इधर यू गो सेक में, इसे मुझे ज्यादा कुछ करना, सबसे आसान तो कॉस वाला निकालना है क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो मैंने कॉस के बदले का 1 डिवाइड बाय सेक, इधर आंसर, इसको और कुछ नहीं करना है, हो गए दो मुझे निकल गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैं क्या निकाल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेक ए, आंसर मुझे हर एक का आना चाहिए सेक में, साइन कॉस, अब मैं निकालूंगा टेन, तीसरा टेन ए। अब आप फॉर्मूला पे फिर से जाओ, जरा देख लो कहीं टेन की फॉर्मूला तो नहीं है, टेन की फॉर्मूला यहां पर है, ये देखिए टेन छा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बगैर यो यू, लेकिन पहले मुझे यहां पे टेन ए है वो बनावट बड़े, मैं किसी तरह से इस पे क्या लगाऊंगा स्क्वायर, आज मैं ये फॉर्मूला कौन फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला, यानी कि टेन सॉरी ये वाली फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए इसको स्क्वायर चढ़ाने के लिए मुझे क्या चढ़ाना पड़ेगा, मैं पे रूट से लिखा हूं, मैं इसको लिख सकता हूं टेन ए के बदले अंडर रूट टेन ए का स्क्वायर, इस पर क्या फर्क था, क्यों बताओ एक बार बताओ क्यों, व्हाई, बिकॉज मैंने स्क्वायर भी चढ़ाया और रूट भी, मैं कैंसिल कर सकता हूं टेन ए वापस, लेकिन फायदा क्या हुआ, ये बनी हमें फॉर्मूला। अब मैं इसको सॉरी मैंने स्क्वायर गलत जगह डाला, यहां पे टेन स्क्वायर ए, अब बताएं मुझे रूट तो ऊपर टेन स्क्वायर ए का था सब बराबर, टेन स्क्वायर था सब बराबर सेक स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए माइनस 1, एम आई राइट, ये तो हो गया, yes, इसका आंसर हो गया, आ गया sec में मुझे आंसर, निकल गया मुझे साइन cos tan, अब cosec, अब है सॉरी cosec cosec a, लेकिन मुझे आंसर आना चाहिए किसमें, sec में, जरा cosec का यहां पे देख लो फॉर्मूला, cosec की फॉर्मूला कहां पे है, ये है फॉर्मूला, cosec की फॉर्मूला है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही है ना, लेकिन पहले मुझे इसको क्या बनाना है, cosec स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना होगा, इसको स्क्वायर लगना चाहिए, तेम खतर क्या चीज़ करा, मुझे रूट दिखाला और स्क्वायर, cosec थीटा बराबर होता है cosec
سکیر ای مگر روٹ کولم سکیر تو کولم اتھ پیری فرق ام سی اب یہ فارمولا بن گئی اب بتاؤ کس ایکس سکیر اے کے بدلے میں لکھوں گا فارمولا کتھ آسان برابر کس ایکس سکیر تھیٹا برابر آسان کوٹ سکیر تھیٹا پلس ون کوٹ سکیر تھیٹا یہاں پہ اے ہے مائنس ون بنیا فارمولا لیکن ابھی سیٹ میں آنسر نہیں آ گیا اب لکھو کوٹ کا ریسیپروکل कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है वन डिवाइड बाई टेन ये बदले आपको इसका रेसिप्रोकल वन डिवाइड बाई टेन मगर स्क्वायर कॉट अच्छा स्क्वायर में शक्ति त्रा हो वन डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए माइनस वन एम आई राइट तो अब देखो अब यहां पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे चल रहा है अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे वन वन आर वन ठीक है ना वन वन आर वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू वन क्या हो टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय टेन स्क्वायर ए वन आर टेन स्क्वायर ए अब हम एक चीज करेंगे वन माइनस टेन स्क्वायर ए का बराबर यहां पे देख लो फिर से फॉर्मूला वो टेन कहां पे है कहां पे मैंने क्या लिखा है वहां पे वन प्लस यहां पे प्लस होना चाहिए यहां पे प्लस यहां पे प्लस है यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर ए छ आसान बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वन हाँ यहां पे गलत हुआ था अब यहां पे दिया प्लस सॉरी तो यहां पे है वन ये है प्लस वाई वन यू टेन स्क्वायर ए प्लस वन का छा बराबर वो बराबर होता है अंडर रूट सेक्स स्क्वायर ए कहां पे मैंने लिखा ये फॉर्मूला ये है हमारी फॉर्मूला यानी कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा छा बराबर सेक्स स्क्वायर थीटा ठीक है ना अब डिवाइड बाय फिर से आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है खाली टेन स्क्वायर थीटा के बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन सेक स्क्वायर सॉरी ए माइनस वन ठीक है ना अब यहां पे भी मैं रूट अलग अलग दूंगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय अंडर रूट ये क्योंकि ये रूट जो है ना दोनों का है न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर बन गए क्या रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन वहां मुझे कुछ स्क्वायर रूट से हेरिम ये स्क्वायर और रूट खत्म हुआ बनी थे नहीं क्योंकि माइनस वन है समझ जैसे मैंने इसमें किया था पहले तो लास्ट आंसर मुझे निकला सेक ए डिवाइड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन आ गया मुझे सेक सेक में आंसर किसका क्वेश्चन का क्वेश्चन को ये सूर्य अब ये फोर्थ हो गया अब हमें कहां पे लिखना पड़ेगा चलिए यहां पे कोशिश करते हैं अब हम करेंगे कॉट अब हमें लास्ट वाला है ना फिर सेक तो नहीं निकालना चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं अब हम लास्ट वाला निकालेंगे कॉट ए शाबाश कॉट का बताओ कॉट का रेसिप्रोकल है वन डिवाइड बाय टेन ए अब हम करेंगे काम टेन को फॉर्मूला बनाएंगे यहां पे है ना टेन इस फॉर्मूला क्या वन तो ऐसे ही टेन सालो स्क्वायर मगर तेल में रूट दिखा दो यह कहो तो स्क्वायर की तो रूट टेन स्क्वायर ए मैं चढ़ा सकता हूं कैसे को रूट थी ये बनिए बोल के फॉर्मूला वन ऐसे ही अंडर रूट थी था पटे टेन स्क्वायर एक था बराबर कहां पे है टेन स्क्वायर से बराबर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन सेक्स स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन अब तुमने बेकीन कर ये सॉल्व हो गया तो हमें साइन की ये बदलाव का आंसर आ देखो ना सारे आंसर साइन का टेन में आ गया कॉस का सॉरी सॉरी साइन का हमें सेक में आ गया आप देखो यहां पे तो कॉस का सेक में आ गया टेन का भी हमें सेक में आ गया कोसेक का सेक में आ गया आंसर और कॉट का भी हमें सेक में आ गया तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने